पिछले एपिसोड में आपने देखा जो ट्रंक्स और गोहा ने उन्हें एक अजीब सी चीज मिली थी, पता नहीं वो का थी, तो अब आगे इस वाले एपिसोड का नाम होने वाला है द रियूनियन। तो इस वाले एपिसोड की शुरुआत होती है जो अपना ट्रंक्स और गोहान है वो उड़े हुए जा रहे होते हैं, और जो गोहान है वो ट्रंक्स से पूछता है, ट्रंक्स यार और बताओ क्या चलता रहता है तुम्हारी, मतलब कि वो आपस की बात करते रहते हैं। और जो ट्रंक्स है वो कहता है कि ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही यार। और गोहान उसे कहता है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है 17 और 16 का जो वेट कर रहे हैं 18 का। जो 18 है वो किसी शोरूम में गई है अपने कपड़े वपड़े बदलन, वो कपड़े बदलती है, जो वहाँ का मालिक होता है वो उसे मस्कर मारता है कि आप कितनी अच्छी लग रही है। वो कहती है ज़्यादा मस्कर मत मारो, और ये कहकर वो चलने लगती है और जाकर गाड़ी में बैठ जाती है और वो वहाँ से निकल लेते हैं। उस शोरूम का मालिक होता है कपड़े के शोरूम का, वो जाकर अपनी दुकान में फ़ोन कर देता है पुलिस में कि कुछ ऐसे लोग थे और उन्होंने मेरे कपड़ों के पैसे नहीं दिए। और जो पुलिस वाले होते हैं वो उनके पीछे लग जाते हैं, और जो 18 होती है अपनी गाड़ी में से उतरती है और उड़ी हुई जाती है और जाकर उनकी गाड़ियों के ऊपर एक एक हमला करती है, और वो गाड़ी पूरी की पूरी तबाह हो जाती है, मतलब कि पटकती तो नहीं है, वो रुक जाती है और चलने के काबिल नहीं बचती। और फिर 18 जाकर अपनी गाड़ी में वापस बैठ जाती है, और वो पुलिस वाले गाड़ी के अंदर से कहते हैं कि वो क्या था यार, क्या अजाब था ये। और अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है बुलमा का। जो बुलमा है वो अपनी गाड़ी में चलती चलती न्यूज़ देख रही होती है, और न्यूज़ में आता है कि एक आदमी बता रहा है कि फलानी सिटी में कुछ लोग गायब हो गए हैं, लगभग बहुत ज़्यादा लोग की बहुत तादाद में लोग गायब हो गए हैं। तभी क्रिलिन के पास बुलमा फ़ोन करती है और उसे बताती है कि कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है, क्या तुम टीवी ऑन करोगे प्लीज़। क्रिलिन कहता है क्या ऐसा क्या है। क्रिलिन तभी टीवी ऑन करता है और उलोंग कहता है क्या हुआ, तो क्रिलिन उसे बताता है कुछ अजीब खबर आ रही है, और उसमें वो आदमी बताता है कि लगभग 15,000 लोग अभी तक गायब हो गए हैं उस टाउन से, और लोग बहुत ही तेज़ी से गायब होते जा रहे हैं, हमें नहीं पता क्या हो रहा है यहाँ, और उनकी लाश नहीं मिली, सिर्फ हमें इसे पता लगा क्योंकि उनके कपड़े पड़े हुए मिले हैं ज़मीन पर, और उसके अलावा ज़रा सा भी अंश नहीं है उनका, उनका खून भी वहाँ पर नहीं पड़ा हुआ है। फिर वापस ये सीन दिखाया जाता है, बुलमा अपनी उसमें जा रही है। फिर अगला सीन दिखाया जाता है, जो चीटी होती है वो जीने पे से उतर कर आती है और बताती है कि गो को अभी सो गया है और उसे पहले से ज़्यादा आराम है। फिर तभी गोहान और ट्रंक्स भी आ जाते हैं और वो कहते हैं यह क्या हो रहा है, तो क्रिलिन उन्हें बताता है जरा न्यूज़ तो देखो एक बार। वो दोनों भी न्यूज़ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत ही अजीब है। जब भी जो टीवी रिपोर्टर होता है उसके कैमरामैन को भी अचानक से गायब हो जाता है, और टीवी में मच्छर से मच्छर आ जाते हैं। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है कामी का। जो कामी है वो कहता है ये क्या है, लोग कहाँ जा रहे हैं और इतनी तेज़ी से कहाँ गायब हो रहे हैं। फिर वापस से सीन दिखाया जाता है, क्रिलिन अपने टीवी को थप्पड़ सा मारता है जिससे उसके मच्छर से भाग जाते हैं, और हमें सीन दिखाया जाता है जो कैमरामैन है और जो ये शो को होस्ट कर रहा था वो भी गायब हो गए हैं, और उसका माइक पड़ा हुआ है ज़मीन पर। फिर वापस से कामी दिखाए जाते हैं और कहते हैं ये बहुत भयानक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ पिकोलो, पर वादा करो तुम कोई गलत काम नहीं करोगे। ये सुनकर वो दोनों शौक हो जाते हैं, और पिकोलो तो थोड़ा सा मुस्कुराने लगता है और कहता है लेकिन मैं अपनी बॉडी में फ्यूजन करूँगा, समझ गए। तो जो कामी होता है वो कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी ज़्यादा ताकतवर और जवान है, तो इस वजह से तुम्हारी बॉडी के साथ ही फ्यूजन करना सही होगा, वरना तुम मेरी बॉडी के साथ करोगे तो ये बहुत कमज़ोर है। जो मिस्टर पोपो है वो कहते हैं कामी आप ऐसा नहीं कर सकते कामी, तो कामी कहते हैं पिकोलो प्लीज़ मेरी छाती पर हाथ रखो, और जो पिकोलो होता है उसकी छाती पर हाथ रखता है, और जो कामी है वो कहता है कि मिस्टर पोपो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे साथ जो मैंने वक्त बिताया वो बहुत मस्त था, तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मिस्टर पोपो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, और वो याद करते हैं कि कैसे वो दोनों एक साथ रहा करते थे, और मिस्टर पोपो बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं। तभी बहुत ही तेज एनर्जी से निकलने लगती है उसके शरीर में से कामी के, और कामी बहुत ज़्यादा रुका उतारने लगते हैं, और अचानक सारी रोशनी ही रोशनी फैल जाती है चारों तरफ। जैसे ही वो रोशनी हटती है मिस्टर पोपो अपनी आँखें खोलते हैं तो देखते हैं जो कामी है वो वहाँ से गायब है, और उस जगह थोड़ा सा हल्का हल्का धुआं उठ रहा है, और जो पिकोलो है पिकोलो देख रहा है अपने हाथों को कि क्या हुआ, शायद मैं पहले से ज़्यादा खुद को ताकतवर महसूस कर रहा हूँ।
वो जो पिकोलो होता है वो धीरे धीरे आगे चलने लगता है और जाकर खड़ा हो जाता है और अपना हाथ उठाता है मिस्टर पोपो की तरफ, और मिस्टर पोपो घबरा जाते हैं कि वो मुझे अटैक करने वाला है। लेकिन तभी जो पिकोलो होता है वो नीचे कूद जाता है कामी प्लेस से और उड़कर बहुत ही स्पीड से नीचे आता है। तभी जो कोरिन होता है वो भी कहता है कि गुड बाय मेरे पुराने दोस्त, उन्हें उसे भी पता चल गया है कि कामी जा चुका है और जो पिकोलो है वो उड़ा हुआ जा रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है गोकू, गोकू काफ़ी आराम है क्योंकि गोकू पहले की तरह सो रहा है। वापस से हमें किडिलियन का सीन दिखाया जाता है जो कि टीवी देखते हुए बोलता है कि अब हम क्या करें, और जो ट्रंक्स है वो अपने कैप्सूल देखता है कि दोनों कैप्सूल यानी कि टाइम मशीन वाले कैप्सूल उसकी उसमें ही है जेब में, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। तभी जो ट्रंक्स है वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ उसके पास, जो गोहान है वो कहता है कि मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन चीची उसे रोकती है। वो कहता है नहीं लेकिन मैं फिर भी जाऊँगा, लेकिन ट्रंक्स उसे खुद ही मना कर देता है कि तुम टेंशन मत लो क्योंकि मैं तो एक सुपर सैयन हूँ, मैं संभाल लूँगा, तुम्हें दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है गोहान, तुम यहीं पर अपने डैड का ध्यान रखो, अगर एंड्रॉइड आ गए कम से कम तुम उनकी रक्षा तो कर पाओगे। यामचा कहता है कि प्लीज़ अपना ध्यान रखना ट्रंक। फिर वापस से हमें सीन दिखाया जाता है उसी जगह का, वहाँ पर पहुँच जाता है पिकोलो। पिकोलो देखता है कि वो सिटी काफ़ी शांत पड़ी है, कार में भी कोई आदमी नहीं है, रोड सुनसान पड़े हैं, शहर में कोई आदमी चलता फिरता दिखाई नहीं दे रहा है। उसे अजीब अजीब सी आवाज़ आने लगती है, वो देखता है कि कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई ज़रूर होगा। हमें दिखाया जाता है कि एक परछाई सी होती है जो जाती है किसी बंदे की और वो किसी इंसान को घसीटता हुआ जा रहा होता है। फिर हमें पैर दिखाया जाता है, उस पैर का कलर हरा होता है जैसे पिकोलो का पैर। तभी फिर हमें अचानक से दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर, एक बहुत ही अजीब सा हरा हरा और संतरी सा मॉन्स्टर जिसकी पूंछ एक अजीब से सुई के आकार की है, और वो देखता है पिकोलो को और पिकोलो देखता रहता है उसे। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगला एपिसोड शुरू होता है जिसका नाम है बोरोड पावर्स। तो इस वाले एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जो हमारा पिकोलो है वो घूर रहा होता है उस हरे से बंदे को, और जो वो हरा सा मॉन्स्टर है वो भी घूर रहा होता है हमारे पिकोलो को। और फिर हमें कपड़े दिखाए जाते हैं, जो सारे बंदे हैं वो गायब हो चुके हैं और उनके सिर्फ कपड़े बचे हैं, और उसने हरे वाले मॉन्स्टर ने एक बंदे को अपने हाथ में पकड़ रखा है और जो पिकोलो है उसे देखकर घबरा जाता है। तभी जो वो बंदा जिससे मॉन्स्टर ने पकड़ रखा है वो कहता है प्लीज़ मुझे बचाओ, मैं तुम्हें सारी दौलत देने को तैयार हूँ, तुम जितना पैसे कहोगे मैं तुम्हें वो सब देने को तैयार हूँ। फिर हमें मिस्टर पोपो दिखाए जाते हैं जो कि ऊपर से देख रहे होते हैं, पता नहीं उन्हें दिख रहा होगा या नहीं इतने ऊपर से। और फिर वो जाते हैं और जो डंडा होता है कामी का उसे उठा लेते हैं और कहते हैं कामी, और फिर वो जो बंदा होता है जिसे हरे वाले मॉन्स्टर ने पकड़ा हुआ है वो अपनी जेब में से पैसे निकालता है और कहता है कुछ तो अभी ले लो बाकी मैं बाद में दे दूंगा, प्लीज़ मुझे बचा लो। वो जो पिकोलो है वो कहता है कि हे इस आदमी को जाने दो, और वो हरे वाला मॉन्स्टर उसे छोड़ देता है और अचानक से अपनी पूंछ उठाता है और उसकी कमर में घुसा देता है और उसकी पूंछ उसे सूखना शुरू कर देती है और उसके हाथ पतले होने स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे उसका शरीर पिघलना स्टार्ट हो जाता है और फिर और कमज़ोर होते होते उसका शरीर बिल्कुल गायब हो जाता है। मतलब कि यही वो बंदा है जिसने उन सब इंसानों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है और ये ही सारे इंसानों को गायब करने की वजह है। तभी वो जो हरे वाला बंदा होता है वो अपनी पावर लेवल बढ़ाने लगता है, वो बहुत ज़्यादा पावर लेवल बढ़ाता है जिससे कि एक बहुत ही बड़ी एनर्जी का एहसास होता है। और जो गोहान है वो कहता है ये तो फ्रीजा और फ्रीजा के डैड की पावर है, मैं महसूस कर सकता हूँ, ये पावर तो उसी की है। फिर जो पिकोलो होता है वो उसके सामने खड़ा होता है और उसे देख रहा होता है और वो बहुत ही खतरनाक धमा करने के बाद एक दूसरे के सामने खड़े रहते हैं। और तभी जो ट्रंक से वो उड़ता हुआ जा रहा होता है और कहता है ये क्या, ये तो दो पिकोलो की ताकत है, दो पिकोलो कहाँ से आ गए, और ये फ्रीजा और फ्रीजा के डैड की ताकत है। वेजिटा दिखाया जाता है जो कहता है ये नहीं हो सकता। यामचा जो कहता है लेकिन ट्रंक्स ने उन दोनों को खत्म कर दिया था, ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं, गोकू के पावर का लेवल का एहसास होता है और गोहान उड़ा हुआ जाता है और गोहान जाकर देखता है कि डैड तो वहीं पर पड़े रहे किसी कमरे में, और वो कहता है कि नहीं डैड का पावर लेवल कहाँ से आ रहा है, वो तो अपने कमरे में पड़े हैं। पिकोलो होता है, पिकोलो को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कि तुम आखिर हो कौन, अपने बारे में बताओ, क्या नाम है तुम्हारा, आखिर कौन हो तुम। जो वो हरे वाला बंदा होता है वो कहता है इतनी भी जल्दी क्या है, मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। और जो पिकोलो होता है फिर वो अपनी पावर लेवल बढ़ाता है और इतनी खतरनाक तरीके से पावर लेवल बढ़ाता है, उससे भी बड़ा धमाका करता है। जो वो हरे वाला मॉन्स्टर है वो तो देखकर चौंक जाता है कि पिकोलो कितना ताकतवर है, इतनी तो मुझे इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी जितना ताकतवर ये बंदा दिखाया गया है। और वो बताता है कि मुझे पता है तुम्हारा नाम पिकोलो है और तुम एक नेमिक हो। पिकोलो सुनकर थोड़ा सा हैरान तो हो जाता है कि इसे मेरे बारे में कैसे पता। फिर हमें ट्रंक दिखाया जाता है जो उड़ा हुआ जा रहा होता है, तभी उसके पीछे से बहुत ही स्पीड से किडिलियन उड़कर आता है और वो कहता है कि मैं इसलिए आया हूँ
ताकि तुम्हें मदद की जरूरत ना पड़े। और फिर वो बहुत ही स्पीड से उड़े हुए जा रहे होते हैं। क्रिलिन होता है वो मुस्कुराने लगता है, और जो ट्रंक्स है वो कहता है तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो। तो क्रिलिन उसे बताता है कि तुम्हें पावर लेवल का एहसास हुआ, जो पिकोलो है उनका पावर लेवल कितना बढ़ा हुआ है, वो जरूर कामी के साथ फ्यूज़ हो गए होगे। ट्रंक्स उसे कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। तो क्रिलिन उसे बताता है जैसे तुम सुपर सैयन बनते हो वैसे ही पिकोलो फिलहाल सुपर नेमिक बना है फ्यूजन करने के बाद। और हमें दिखाया जाता है जो पिकोलो है वो अपने हाथ में एक एनर्जी बनाता है, एक एनर्जी ब्लास्ट बहुत ही खतरनाक वाला, और वो उसे मार देता है हरे वाले मॉन्स्टर को। इतना बड़ा होता है कि क्रिलिन और ट्रंक्स को बहुत ज़्यादा दूर से ही दिख जाता है। क्रिलिन कहता है ज़रूर ये पिकोलो ने ही मारा होगा। और फिर तभी जो 17, 16 और 18 जा रहे थे वो अपनी गाड़ी रोक कर देखते हैं कि वहाँ पर कोई ब्लास्ट हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट। फिर 16 गाड़ी में से उतर कर आता है और उन्हें बताता है कि जो उनमें एक बंदा है वो 17 तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर है। तो 17 उसे कहता है शायद तुम्हारे किसी फंक्शन में कोई खराबी हो गई हो, क्योंकि मुझसे ताकतवर शायद यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि मैं सबसे ताकतवर हूँ। तो कोई बात नहीं, वो थोड़ी बहुत देर में शायद तुम्हारा फंक्शन ठीक हो जाएगा। और फिर वो गाड़ी में बैठते हैं और वापस से चलने लगते हैं, और 16 कुछ सोचता रहता है। फिर वापस से सीन दिखाया जाता है हमें जहाँ पिकोलो ने हमला किया था, वो जगह टूटी फूटी पड़ी है और कुछ पत्थर से उठते हैं, और वहाँ से निकल कर आता है सेल, और जो सेल होता है वो आकर अटैक करता है पिकोलो पे, और पिकोलो उल्टा उसी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और उसे बहुत ही गंदी तरीके से पीटने लगते हैं, और पिकोलो के ऊपर अटैक करते हैं, उसके पीछे पहुँच जाते हैं, और पिकोलो अपनी पावर नहीं दिखा पा रहा होता है। तभी पिकोलो आसमान में चला जाता है एक अटैक लगने के बाद, और जो सी पावर पिकोलो मारते हैं वो पिकोलो के ऊपर ही यूज़ करते हैं, और जो पिकोलो है वो सोचते हैं कि ये मेरी पावर कैसे यूज़ कर सकता है। और तभी पिकोलो उसके ऊपर एक और अटैक करते हैं और उसे फेंककर मार देते हैं, और जो वो बंदा होता है हरा मॉन्स्टर वो फिर बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद वो देखता है कि पिकोलो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर तभी वो कहता है कि पर मेरे आगे ये सब नहीं चलेगा। और फिर जो हमारे पिकोलो होते हैं वो थोड़े से घबराने लगते हैं और सोचते हैं कि ये बंदा क्या कह रहा है कि ये इसकी पूरी पावर नहीं है, इसका मतलब इसकी पूरी पावर कैसी है। और वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, अब तुम देखोगे। तभी वो बंदा अपने हाथ में कामेहामेहा बनाने लगता है, और पिकोलो सोच में पड़ जाता है कि ये तो गोकू की टेक्निक है, ये बंदा इसे कैसे यूज़ कर सकता है, ये बंदा आखिर है क्या चीज़, इतनी मेरी भी टेक्निक यूज़ कर ली, अब ये गोकू की टेक्निक भी यूज़ कर रहा है। फिर तभी हमें वेजिटा दिखाया जाता है, वेजिटा सोचने लगता है क्या करो वो इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया, उसकी तो तबीयत ख़राब थी। फिर हमें दिखाया जाता है गोहान देखता है कि डैड तो यहाँ पर है, पर मुझे उधर से पावर लेवल का एहसास क्यों हो रहा है। तभी वो बंदा कामेहामेहा बना लेता है, और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो शायद दोस्तों अब मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो में दो एपिसोड कवर करने की। तो थैंक यू फॉर सपोर्ट।